वादी चित्राल पाकिस्तान के शुमाल में सबसे ज्यादा खूबसूरत वादियों में से एक है, विच इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स एंड द माउंटेन रीजन्स। और आज की मेरी डेस्टिनेशन है चित्राल गोल नेशनल पार्क। चित्राल गोल नेशनल पार्क अपने रंग बदलते मनाजर, अपनी ढलवानों और खास तौर पर अपने बहुत ही मुनफरिद जानवर मारखोर की वजह से मशहूर है। चित्राल गोल नेशनल पार्क के चट्टानों पर चलने वाले मारखोर की खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। And I welcome all of you to Discovery Ride with Rafe Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चित्राल में, in fact the upper part of the चित्राल। इससे पहले I've been to the lower चित्राल, जहाँ पे I have tried to show you कैलाश। और ना सिर्फ मैंने आपको वहाँ की खूबसूरती दिखाई, बल्कि उनका जो एक मुनफरिद कल्चर है वो भी I just tried to show you that as well। और अभी चूंकि I am in the city, और ये जो अपर चित्राल है ना, ये बहुत खूबसूरत है लोअर चित्राल की तरह। यहाँ पे भी बहुत सारी जगह देखने के लिए, लेकिन पहली जगह जहाँ हम जा रहे होंगे दैट इज एक्चुअली गोल नेशनल पार्क, बिकॉज वो जो जगह ना दैट इज वेरी स्पेशल, बिकॉज वहाँ पे जो हमारा नेशनल एनिमल है मारखोर वो मिलता है। सो इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई थॉट कि वी शुड गो अर्लियर सो दैट वी कुड कैच द मारखोर ओवर देयर। सो लेट्स गो, और आज की जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं। सफर का मैंने अपना आवाज कर दी है एंड वी गोइंग टूवर्ड्स गोल नेशनल पार्क। और ये जो रोड है ना, स्ट्रेट आपको गोल नेशनल पार्क लेके जाता है। एंड यू कुड सी रोड की हालत थोड़ी सी खराब है, कहीं से ही टूटा हुआ है, कहीं से बीच बीच में थोड़ा सा सही पैच पे आ जाता है। आई गेस इट्स काइंड ऑफ अ रेजिडेंशियल एरिया विच आई एम क्रॉसिंग राइट नाउ, क्योंकि मुझे पीछे बच्चे भी नजर आए थे स्कूल जाते हुए। अच्छा खैर, मैं थोड़ा सा आपको रास्ते के हवाले से गाइड करती चलूँ कि इफ यू हैव टू कम टूवर्ड्स गोल नेशनल पार्क तो आप कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, इफ़ यू आर कमिंग टूवर्ड्स चित्राल फ्रॉम लाहौर वाली साइड, तो सबसे पहले तो वही लवारी चैनल जो दीपकोट चित्राल को कनेक्ट करती है। इस तरह से आप जब चित्राल में एंटर हो जाते हैं ना स्ट्रेट, तो फिर उसके दो रास्ते आते हैं एक पॉइंट पे, एक जो चला जाता है नीचे को और एक आ जाता है ऊपर को। तो जो नीचे को जाता है ना रास्ता, वो तो कैलाश वैली की तरफ जाता है, मैंने आपको दिखा दिया। आपने लेना राइट साइड वाला जो रास्ता है ना, जो ऊपर आता है चित्राल वाली साइड पे, अपर चित्राल वाली साइड पे, सो यू हैव टू कम टू दैट साइड। वहाँ गुजरने के बाद फिर आएगा मेन सिटी, और मेन सिटी को क्रॉस करने के बाद ना, बल्कि इनफैक्ट मेन सिटी में ही वहाँ पे जो शुरू की शॉप से शुरू के सारा एरिया बाजार वगैरह क्रॉस करने के बाद आगे आता है एक चौक विच इज बीइंग कॉल्ड एज गोलदरा चौक। और गोलदरा चौक से आपने ले लेना लेफ्ट, और लेफ्ट लेने के बाद जो रास्ता आएगा ना, वो आपको सीधा सीधा ले जाएगा गोल नेशनल पार्क में। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द बूनी साइड, तो उस साइड से ये है कि आपने राइट लेना है, तो आप गोल नेशनल पार्क की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो थोड़ी सी होगी गाइडलाइन अबाउट द रास्ता कि किस तरह से आप आ सकते हैं। और अभी थोड़ा सा आपको मैं ये जगह के हवाले से बताती हूँ। कुछ सी मजे की बहुत जगह है, बिकॉज इसके जो व्यूज हैं, जो आपको यहाँ से साइड से नजर आती है, वो बहुत खूबसूरत है। सामने देखें, मतलब रोड बहुत मजे की टर्न्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये खराब वाला रास्ता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। पूरी की पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स एज आई से ऑलवेज, हमेशा कहती हूँ मैं ये, आपने पूरी एहतियात करनी है, बिकॉज ऑफ रोडिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और गोल नेशनल पार्क बेसिकली वो चीज़ है जिसे आप चित्राल का खजाना भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ पे हमारा मारखोर जो नेशनल एनिमल है वो भी है, फिर उसके अलावा उधर इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल बर्ड तो वो भी है, नेशनल ट्री इवन हमारा वहाँ पे, तो सारी चीज़ें जो हैं गोल नेशनल पार्क पे आपको मिलेंगी डेफिनेटली। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा है इसका, और आई केम टू नो के बहुत ज़्यादा लोग जाते भी नहीं है, इट्स नॉट दैट मच एक्सप्लोर्ड प्लेस। तो डेफिनेटली आज देखेंगे और साथ में आपको भी दिखाएंगे। चित्राल में और बहुत कुछ है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूँ ना, तो चित्राल बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली नेचुरली
स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स बने हुए हैं, जैसे कि पोलो यहाँ पे बड़ी ज्यादा खेली जाती है। कुछ इस तरह से होता है ना कि जैसे इर्द गिर्द पहाड़ और पहाड़ों के बीच में मैदानी इलाके वैलीज मिल जाती हैं, वो नेचुरली स्पोर्ट्स ग्राउंड बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जो है वो पोलो भी खेल रहे होते हैं, गेम्स बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं, उसके अलावा क्रिकेट यहाँ खेली जाती है, फुटबॉल यहाँ खेली जाती है। और आप देखेंगे रास्ता कितना ऑफ रोड तो हो गया, आई गेस इन्हीं रास्तों में ना लोगों के घर वगैरह भी हैं। ये देखिए, ये भी कोई घर बना हुआ है, पीपल लिव इन हियर एज वेल। सो इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग। अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है मुझे ट्रैवल करने का यहाँ पे, बिकॉज आई लव एक्चुअली ऐसा भी होता है, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग। ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, अभी एक बड़ा पत्थर आया था, उससे टकराव होने के बाद दिस हैज हैपेंड। एंड व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट आई एक्चुअली लव ऑफ रोडिंग, बिकॉज जो एडवेंचर और जो एड्रेनलिन रश आपको यहाँ पे मिलता है ना ऑफ रोडिंग पे, वो कहीं और नहीं मिलता। यू कुड सी आई एम एट लाइक हाइट, और इस तरह का रास्ता है कि एक साइड पे कुछ भी नहीं और एक साइड पे पहाड़ है, बट दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो यू हैव टू जस्ट कीप मूविंग, कीप मूविंग। अच्छा वैसे अभी तक मेरा कोई बहुत ज़्यादा लोगों से यहाँ पे वो इंटरेक्शन नहीं हुआ है, कि पीछे बस कुछ घर ही नज़र आए हैं, उसके बाद आई हैवंट सीन कि बहुत ज़्यादा लोगों, शायद अर्ली इन द मॉर्निंग है, सुबह है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं आई गेस। दैट्स व्हाट आई कुड से। वेट, आई गेस वी शुड स्टॉप इन हियर। थोड़ा सा आगे जाके रुकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत जगह नज़र आई थी। यू कुड सी इन फैक्ट सामने देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत है। अच्छा आई गेस इट्स नॉट दैट मच ग्रीन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द वेदर, अभी जो सीजन चल रहा है तो इस वजह से, लेकिन आई गेस दैट्स द बेस्ट सीजन एज वेल टू विजिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। चित्राल बहुत ठंडा इलाका है, बहुत ठंडा, कि इवन जो नॉर्मल डेज हैं लाइक जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बाकी पाकिस्तान के एरियाज में, चित्राल में तब भी ठंड होगी। आई गेस वी हैव रीच्ड, वेट वेट अ मिनट, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, नो नॉट द बाइक, ओके। So here is the board, if you could see, welcome to Chitral Gol National Park. And at the front, you could see this board as well, jahan pe ye board laga hua hai. So that's welcome to Chitral Gol National Park. Thank you for welcoming us. Let's go inside. Achha, yahan se na Chitral Gol National Park shuru ho jata hai. Aur yahan pe bhi jo hai sara bike ka raasta hai. Yes. Achha, waise main aapko na पहुंच के आइडिया करके बताऊंगी कि अगर हम हाइक करते हुए आए तो कितना टाइम लगेगा। सो अभी तो मैं बाइक पे हूँ, साथ साथ अंदाज़ा करती हूँ कि हाइक के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर आपको वो भी बता दूंगी कि इफ़ यू गाइस वांट टू डू हाइकिंग और उस तरीके से आना चाहते हैं तो हाउ मच इट्स गोना टेक यू। सो गोल नेशनल पार्क जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और बहुत खूबसूरत जगह है ये, वेरी प्रिटी। आई एम गोना टेक यू अंदर और अभी थोड़ा सा मैं देखूँ इसको और फिर आगे की जो राइड है ना मैं आपको थोड़ा सा वहां मिलती हूँ। Let's go and keep exploring Gol National Park. It's a dangerous turn. We have taken that. And the road was super adventurous. And if you are a thrill seeker looking for your next adrenaline rush, this road is for you. और जी मुझे बाइक राइड करते हुए कोई 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अभी इस वक्त जो व्यू है दैट इज अनइमेजिनेबल, अनएक्सप्लेनेबल, बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना खूबसूरत है। सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पता नहीं आसमान की किस जगह पे आ गई हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको तीन तरह के पहाड़ मिल रहे हैं। एक तो ये सारे ग्रीन पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे, दरख्त आपको सारे नजर आ रहे हैं, बेसिकली मैं इस वक्त पहाड़ के बीच में कहीं से गुजर रही हूँ, या फिर आपको मट्टी से अटे हुए पथरीले जो पहाड़ है वो नजर आएंगे, और सामने लेट मी स्टॉप इन हियर, वो सामने आपको इवन बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं जेन्युइनली इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको इसके लिए आना पड़ेगा और आप आएंगे तो देखेंगे कि कितने खूबसूरत
और कितनी बेहतरीन और कितनी मजे की जगह है। मुझे तो बाइक राइड करने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे सारे पैसे पूरे हो गए यहाँ पे आने के, बिकॉज दैट्स सुपर प्रिटी प्लेस। और जिनको ऑफ रोडिंग का बड़ा शौक है, जिन्हें बहुत पसंद है इस तरह की रोड पे बाइक राइड करना, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोड्स फॉर देम, क्योंकि बहुत बम्पी सा रोड है ये एंड आई एम एंजॉयिंग इट। सो लेट्स गो आगे, और आगे चल के आई गेस वी आर इन सर्च ऑफ मारकोर, तो आगे चल के शायद हमें कहीं ना कहीं मारकोर मिल ही जाए, इसी उम्मीद पे हूँ कि मिल जाएंगे, बट लेट जस्ट गो एंड फाइंड समथिंग इफ वी कुड फाइंड इट। यस, एडवेंचरस से रास्ते के बाद आई हैव रीच टू दिस ब्यूटिफुल लैंडस्केप विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, क्योंकि एक्चुअली ये वेदर नहीं है ना इसका, और बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे व्यू पॉइंट भी है जो कि मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, खुद भी देखूंगी, क्योंकि अब यहाँ पे मैं रुकूंगी तो सही कुछ देर, इतनी खूबसूरत जगह है इसको मैं मिस तो नहीं करूंगी। और यहाँ रुकने के बाद वो जो खूबसूरत सा रास्ता नजर आ रहा है ना, वो सारा ट्रैक भी आपको मैं दिखाऊंगी साथ साथ। Let's go and stay for a while in here. I put off my helmet and gloves and ready to explore the beautiful place. And I don't have the words to explain the beauty of this place. I feel like that I was walking in the heaven. ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि आई डिडंट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस एट ऑल। एंड इफ यू वॉन्ट टू फील रिलैक्स्ड, लुक डीप इन टू द नेचर एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर।